हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। तो गाइस, थैंक यू सो मच अपने चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स एकदम सिंपल वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो अगेन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो चलिए, जैसा कि आपने आज का कैप्शन देखा, आज हम लोग बात करने वाले न्यू टोयोटा वेलफायर में जो रूफ माउंटेड एलईडी स्क्रीन आता है, इसको एंड्रॉइड फोन से हम लोग वायरलेसली मिराकास्ट कैसे करें, यानी कि फोन का स्क्रीन पेयर हो जाएगा पूरा का पूरा एलईडी स्क्रीन पे गाड़ी के, और उसके बाद आप जो भी फीचर्स फोन पे यूज करेंगे जैसे कि यूट्यूब या आप कोई मूवी यूज करें तो कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा रूफ पे, वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, वो टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था HDMI पोर्ट से एप्पल फोन कैसा विद केबल यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग हो जाता है, और उसके अलावा भी मैंने और एक वीडियो बनाया था कि ये HDMI पोर्ट पे हम लोग Amazon वगैरह का फायर स्टिक कैसे पेयर कर सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पूरा Netflix वगैरह का एक्सेस मिल जाता है। सो ये दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको अगर Apple फोन या फायर स्टिक कैसे कनेक्ट करना है वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। हाउएवर, ये वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको एंड्रॉइड फोन वायरलेसली पेयर करना कैसे। तो ये जो वेलफायर के साथ रिमोट आता है इसे आपको बस प्रेस करना है ओपन को, ओपन जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाती है। अब ये स्क्रीन जैसे कि बहुत ज़्यादा टिल्ट है तो मैं इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी तरफ और कर सकता हूँ जितना मुझे चाहिए, तो अब मैंने इसे स्ट्रेट कर लिया। अब जैसा आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिख रहे, तो ये जो नेविगेटर वाला स्विच है इसको एरो को मैं यूज करके रियर में चले जाता हूँ एकदम लास्ट में। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आपको स्क्रीन पे रियर मिराकास्ट देखने को मिल रहा है, ये रियर मिराकास्ट में ओके करने का है। अब ओके करने के बाद आपको जो फोन है एंड्रॉइड उसे यूज करना है। अब ये एंड्रॉइड फोन में करना क्या, आपको सेटिंग में जाना है। अब ये मैं सैमसंग का फोन यूज कर रहा हूँ तो इसमें एक स्मार्ट व्यू करके फीचर इनबिल्ट ही आता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट व्यू। अब जैसे मैं ये स्मार्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं ये एक्सेस मांग रहा है, इसे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके कंटिन्यू करके सारे परमिशन दे देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सर्च करना चालू कर देगा। अब सर्च नहीं कर रहा तो एक बार फिर से मैं रियर मिराकास्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं रियर मिराकास्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे RR सिस्टम करके एक ऑप्शन मुझे वायरलेसली देखने मिल रहा है। अब जैसे ही RR सिस्टम पे मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट नाउ कर दीजिए आप। स्टार्ट नाउ करने के बाद इसका पेयरिंग का प्रोसेस आप देख सकते हैं, कनेक्टिंग का स्टार्ट हो गया, कनेक्ट होना ये चीज़ चालू कर दिया। अब ये विद इन नो टाइम मतलब एक 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लेता है और ये जो स्क्रीन है वो मिरर हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही ये स्क्रीन मिरर हो गई, अब मान लीजिए मुझे देखना है YouTube, तो अब मैं फ़ोन का YouTube यूज़ करूँगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेरे फ़ोन का YouTube जो है उसे ऑन कर दिया। अब ये स्क्रीन का जो आप आइकन देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन को रोटेट करके बड़ी करने वाली, वो मैंने कर लिया है। अब मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ। अब आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है विदाउट एनी वायर। अब इसे मैंने पेयर कर दिया हूँ और बहुत स्मूथली सैमसंग के फ़ोन से आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियोस प्ले हो रहा है। अब ये वीडियो भी यहाँ पे प्ले हो जाएगा। अब जो भी आपको सॉन्ग वगैरह प्ले करना है आप प्ले कर सकते हैं। इसमें 17 JBL के प्रीमियम स्पीकर आते हैं जिसके साथ ये काम करता है और बहुत अच्छा वॉल्यूम वगैरह भी इसका है जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब अच्छा क्लीन आपको वॉल्यूम इसमें सुनने मिलेगा और बहुत एफर्टलेसली तो जैसा आप देख सकते हैं बहुत एफर्टलेसली मतलब विदाउट एनी इश्यूज विदाउट एनी कनेक्टिविटी एरर ये वीडियो यहाँ पे चल रहा है। तो बहुत इजी तरीका था, होप आपको समझ में आ गया कैसे एंड्रॉइड फोन को आप वायरलेसली यहाँ पे पेयर कर सकते हैं। सैमसंग का फोन था जिसमें इनबिल्ट फीचर आता है स्मार्ट व्यू, जिसको यूज करके मैंने यहाँ पे ये स्क्रीन को मिरर कर दिया और बहुत अच्छे से जैसा कि आप देख सकते हैं फीचर काम करता है। सो होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इनकेस अगर कोई फोन में नहीं रहता है इनबिल्ट फीचर स्मार्ट व्यू का या मतलब जैसे कि कनेक्टिविटी का नहीं रहता, तो मिराकास्ट करके आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके इस फीचर को यूज कर सकते हैं। सो होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच।